Hey guys, how are you all? Hope are doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए महिलाओं को प्रेगनेंसी तभी कंसीव होती है जब सक्सेसफुली महिलाओं के गर्भ के दीवार में बच्चा चिपक जाता है. तभी के बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे हम HCG कहते हैं वो भी रिलीज होना शुरू हो जाता है और उसके बाद से ही महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर ओव्यूलेशन के टाइम स्पर्म और एग मिल गए हैं तो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है. देखिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले महिलाओं का ओव्यूलेशन का समय पे होना जरूरी है, यानी ओवरी से एग का रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि हर महीने महिला की एक ओवरी से एग रिलीज होता है. एक महीने राइट से ओवरी से एग रिलीज होगा तो अगले महीने लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होगा. जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो महिलाओं की बॉडी में कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो गया. और ओव्यूलेशन के दौरान अगर आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो स्पर्म रिलीज होता है. स्पर्म एग से मिलता है, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है. तो यहाँ पे एग फर्टिलाइज होता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है. एग फर्टिलाइज होने के बाद वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, बनता है जायगोट. जायगोट फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता है. फैलोपियन ट्यूब से जब ट्रैवल करता है तो वो बन जाता है मोरूला. और मोरूला जब फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रन वॉल पे यानी गर्भ की दीवार पे पहुंचता है तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट. और ब्लास्टोसिस्ट ही गर्भ की दीवार पे चिपकता है यानी इम्प्लांट होता है. जब ये प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाती है तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है. तो गाइस देखिए ओव्यूलेशन के बाद एग फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है एंड उसके बाद इम्प्लांट होने में कम से कम 6 दिन का टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है. यानी हर महिला का इम्प्लांटेशन 7 से लेके 12 दिन के बीच में ओव्यूलेशन के बाद सफल हो जाता है. यानी इम्प्लांटेशन का सफल होने का मतलब है गर्भ की दीवार में बच्चा सक्सेसफुली चिपक गया है. और इसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में धीरे धीरे जो प्रेगनेंसी के अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं. तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ जब गर्भ की दीवार में बच्चा चिपकता है तो सबसे पहले महिलाओं की बॉडी में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि इस बार आपका गर्भ में बच्चा रुका है या नहीं रुका है. अगर रुका है तो किस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं. महिलाओं के गर्भ में बच्चा चिपकता है तो प्रेगनेंसी हार्मोन तो रिलीज होता ही है, साथ में हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं. कुछ हार्मोन तो बड़ी तेजी से राइज होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए तेजी से राइज होता है एंड कुछ नए हार्मोन भी रिलीज होते हैं जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज में यानी पीरियड डेट से पहले ही महिलाओं की बॉडी में नए नए से बदलाव देखने को मिलते हैं. और उनमें से एक बदलाव महिलाओं की सूंघने की क्षमता में भी आता है, यानी महिलाओं की सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है. क्योंकि अगर आप देखेंगे नॉर्मली आपको जो छोटी छोटी सी खुशबुएं होती हैं या स्मेल होती हैं वो बिल्कुल भी फील नहीं होती, पता ही नहीं चलता है. बट प्रेग्नेंट होने में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस आपको चाहे वो रोटी की खुशबू हो या सब्जी की खुशबू हो या परफ्यूम की खुशबू हो, ये परफ्यूम की खुशबू तो आपको पहले भी पता चलती होगी बट जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो परफ्यूम की खुशबू आपको बहुत ज़्यादा लगने लगती है. और रोटी की खुशबू भी जो बिल्कुल भी फील नहीं होती है आपको वो भी लगने लगती है, सब्जी की खुशबू भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस ये हो रहा होता है. और इसके साथ जो पहला ट्राइमेस्टर होता है महिलाओं का, इस टाइम पे बच्चे का स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महिलाओं की लगती है क्योंकि महिलाओं की बॉडी से ही बच्चे को न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है, ऑक्सीजन मिल रहा होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से जो पहला ट्राइमेस्टर होता है इस टाइम पे महिलाओं को अपनी एनर्जी में कमी लगती है, महिलाओं को थकान टाइप फील होता है, कुछ महिलाओं को हल्के हल्के से चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं. ये इसलिए होता है. और इसके साथ गाइस आपने देखा होगा नौजिया की फीलिंग बहुत ही अर्ली फेज में काफ़ी महिलाओं को दिखाई देती है, यानी आपको वॉमिटिंग नहीं आती है बट ऐसा लगता है कि आपको वॉमिटिंग आ जाएगी. जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा जब गैस चढ़ जाती है तो आपको थोड़ा वॉमिटिंग आने का मन करता है बट वॉमिटिंग आती नहीं है. तो उसी तरीके की फीलिंग आपको आफ्टर ओव्यूलेशन एक हफ्ते बाद अगर नज़र आती है तो ये साइन है आपकी प्रेगनेंसी का. और नॉर्मली जो प्रेगनेंसी की नौजिया फीलिंग होती है ये मॉर्निंग में ज़्यादातर देखी जाती है. मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ मॉर्निंग में ही देखी जाती है बट ज़्यादातर महिलाओं में ये मॉर्निंग में होती है. ऐसा लगता है कि रात को आपने कुछ गलत खा लिया होगा या ज़्यादा खा लिया है जिसकी वजह से गैस चढ़ गई है और जिसकी वजह से ये नौजिया फीलिंग आ रही है. और ये फीलिंग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होती, अगर लगातार आपको 3-4 दिन के लिए देखी जाएगी जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं.
इसके अलावा गाइस ओवुलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो काम कर ही रहा होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ओवुलेशन के एक हफ्ते बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। बट अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थ्रू आउट महिलाओं की बॉडी में इंक्रीज रहता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से महिलाओं की बॉडी में गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं की जो मसल्स हैं उसे रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से जो भी वो खाती हैं वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम देखी जाती है अधिकतर महिलाओं में। अगर ज़्यादा गैस चढ़ जाती है, क्योंकि गैस पास नहीं हो पाती है, जो विंड है वो आपकी बॉडी के अंदर ही रह जाती है, उसकी वजह से कई महिलाओं को एब्डोमिनल पेन, ये पेन आप पूरे पेट में आपको कहीं भी हो सकते हो, और बहुत ज़्यादा गैस चढ़ने पर तो ये पेन आपके चेस्ट में भी फील होने लगता है, सर में भी पेन फील होने लगता है, ये महिलाओं को हेडेक लगता है, बट ये गैस की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो। और ये आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी, अगर आप अपने खाने को में कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या आप खाना ठीक तरीके से नहीं खा रहे हैं, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी महिलाओं को गैस की प्रॉब्लम रहती है। और इसके साथ साथ बहुत ही अर्ली फेज में महिलाओं के पेट में ऐसा ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, यानी पेट फुला फुला सा फील होता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत टाइटनिंग फील होती है, पेट टाइट फील होता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, स्टूल सही तरीके से आप पास नहीं कर पा रहे होते, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन होता है। अगर इनमें से दो लक्षण भी आपको अपनी बॉडी में पीरियड डेट से पहले दिखाई दे रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आपके गर्भ में सक्सेसफुली बच्चा चिपक चुका है, यानी आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।